जामिया और शाहीनबाग के गोलीकांड की गूंज अब संसद तक जा पहुंची है। ओवैसी ने जामिया के साथ खड़े होने का ऐलान किया तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम से बयान देने की मांग की। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को का नोटिस तक दे दिया। सर, मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, राष्ट्रीय शून्यकाल। हमारे हिंदुस्तान की आम जनता ने, आम लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई अन्याय नहीं सर। ये हाथ में हिंदुस्तान की संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान ये हाथ में लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर गोली चलाए जाते हैं। बेरहमी से हिंदुस्तान को, आम लोगों को खून किया जाते हैं। किशोर शर्मा जी, सर ये सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। ये विषय पर ये नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू होने से सीए के विषय पर गोली से नहीं खून किया जाता। कि विपक्षी दल शाहीन बाग के वहां लोग जो बैठे हैं उनके पीछे विपक्षी दलों का एक साजिश है। वो चाहते हैं तो उसको बंद करा सकते हैं। अमनतुल्ला खान, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के कई नेता इसमें इस साजिश में शामिल है। और एक समूह जो कानून को तोड़ करके वहाँ 50 दिन से एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जो दूसरे कानून ब्रेक करने वालों के खिलाफ बहुत कंप्लेन कर रही है। अब देखिए, ये कानून हर एक के लिए बराबर है और जो कानून तोड़कर वहां बैठेंगे तो वहां जल्दी वहां से खाली करके जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। हमारी सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी ब्लैकमेलर्स के साथ सामने नहीं झुकेगी। और इस बीच आइए आपको लेकर चलते हैं शाहीन बाग, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच ओवैसी शाहीन बाग से लेकर जामिया तक के मामले को लेकर खूब गर्जे, जामिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं तो रैलियों में भी सवाल उठा रहे हैं। मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस के मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो हम देखते हैं कि कल शाहीन बाग में भी एक दहशतगर्द चला गया, वहां पर हवा में 3 राउंड फायर की और कहा कि ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। मैं उस टेररिस्ट से कहना चाह रहा हूं कि प्यारे, ये देश ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ये देश किसी मजहब का नहीं है, ये देश तमाम मजाहिब के मानने वालों का है। जब उसके हाथ में शादाब ने, जो जम्मू का एक नौजवान लड़का है, उसने उसके हाथ में तफंचे को देखा, रिवॉल्वर को देखा, तो उस शादाब ने उसको उसके सामने आगे बढ़ना शुरू किया, तो ये नाथूराम गोडसे जिसका नाम राम भक्त है, वो पीछे हटता गया और अम्बेडकर और गांधी से मोहब्बत करने वाले, जो इस मुल्क के आईन से मोहब्बत करते हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले, आगे बढ़ता गया शादाब। एक हुकूमत जिसके वजीर आजम मोदी थे, ताकत और गुरूर में डूबकर उन्होंने संविधान और आईन की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, तो उसी आईन को बचाने के लिए जामे मिलिया और रेगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने इस एहतजाज का आगाज किया। हम हरगिज इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, बल्कि मुझे यकीन है कि इन तमाम जुल्म का जवाब जमहूरी तरीके से भारत की आवाम बीजेपी और आरएसएस को जवाब देगी और हम ना भूलेंगे ना इसको भुलाएंगे। अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो सेडेशन लगाएंगे, तो हम तो नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आने वाला है वजीर आजम, जब हम खुद ये तय करेंगे, एक फैसला लेंगे कि कब किस वक्त जेल भरो आंदोलन करेंगे। आपके पूरे मुल्क की जेलों में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते हैं, भारत के जितनी जेलें हैं सिर्फ 3 लाख लोगों को उसमें रख सकते। अगर हम तमाम लोग रोड पर निकल गए तो भारत की जेलें नाकाफी साबित होंगी। आप रख लीजिए,